नमस्कार, मैं शिरोशेनियो, मैं अरविंद चौहान, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ शाम 4 बजे क्लास 10 CBSE NCERT मैं आपको करा रहा होता हूं। इसकी सीरीज में आज हम लोग पहुंच चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.1 के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम करेंगे, उसके बाद 7.2 पर चलेंगे और इस चैप्टर को भी हम हमेशा की तरह, हर चैप्टर की तरह खत्म करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म हो चुकी है, आप जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सबसे पहले मेरा ही नाम मिलेगा। उसमें आप प्लेलिस्ट में 1, 2, 3 सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप समझ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने वहां पर कराया हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और आराम से कॉपी पेन साथ में रखेंगे और साथ में मेरे सॉल्व करते रहेंगे। मैथ्स है बेटा, ये कोई साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, बस ऐसे करके बैठ के देखते रहा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, सॉल्व भी करना होगा मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से कराता ही नहीं कि आप पीछे रह जाए। ठीक है, आप आराम से करिए, साथ में करते जाइए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट से बोल दीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज 7.1 हम लोग खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, हमने कल 4 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, आज हम लोग 5th क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। ओके, आज हम लोग 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे, और 5th क्वेश्चन काफ़ी लेंदी सा आपको वर्ड्स में तो दिख रहा होगा, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, रीड करने की कोशिश करेंगे। इन अ क्लासरूम, बेटा एक क्लासरूम है, मतलब एक क्लासरूम में आपको ओवरव्यू देता हूँ हल्का हल्का। एक क्लासरूम है, उसको आप छोड़िए, एक क्लासरूम है उसमें 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उसको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी को होता है केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन बनाता है, तो यहाँ पर भी उसने यही कोशिश की है। उसने 2 बच्चों को इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ही प्यारे प्यारे नाम लिए, चंपा एंड चमेली। ठीक है, चंपा और चमेली जो हैं ये बाहर से आते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं 4 स्टूडेंट्स को बैठे हुए यहाँ पर। जो हमारे चंपा जी हैं वो कहते हैं कि क्या आपको ये स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिख रहा है बेटा, कौन सा स्क्वायर बनता हुआ नहीं दिख रहा है बेटा, ये वाला। ये चंपा कह रही है कि क्या ये बेटा, आप चमेली से पूछ रही है क्या तुम्हें स्क्वायर नहीं दिख रहा। चमेली नॉट इंटरेस्टेड बेटा, चमेली कह रही है ना ना बिल्कुल नहीं। तो अब आपके कंधों पर ये जो है जिम्मेदारी दी गई है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप शो करिए कि चंपा ठीक है या चमेली ठीक है, इन दोनों में जो भी ठीक है वो कैसे प्रूफ होगा कि अगर ये स्क्वायर ठीक हो, अगर प्रूफ कर दिया हम लोगों ने तो चंपा ठीक हो जाएगी, और अगर ये प्रूफ नहीं हो पाया तो कौन ठीक हो जाएगा, चमेली। तो हम लोग देखते हैं किसकी तरफ जाते हैं, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि क्या ये आपको वो नहीं दिख रही बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो दिख रही होगी साफ साफ आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो प्लेन होता है वो बन के दिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आप बेटा ये बताइए जरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसने पढ़ी होगी जो मैंने पढ़ाई है लास्ट वीडियो में, ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है ना, वाई एक्सिस। ओके, अब ये एक्स एक्सिस होता है और वो वाई एक्सिस होता है, तो क्या होगा कि क्या ये पॉइंट वैसे ही नहीं है जो प्लॉट करना सिखाए थे ए बी सी डी ई एफ, है ना लास्ट वीडियोज में। तो आप अगर इसके कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहेंगे तो क्या होंगे, पहले लिया जाता है ये होता है एक्स और वाई, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आता है एक्स ऑर्डिनेट और यहाँ पे आता है वाई ऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स ऑर्डिनेट अगर आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 3, और इसकी बेटा इधर वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है 4। ठीक है ना, तो ये हमारा पॉइंट बन गया ए। ठीक है, ऐसे आपको सारे पॉइंट निकाल लेने हैं, और एक बार जो पॉइंट्स निकल गए इस फिगर की कोई यूज नहीं है, फिर अपना अलग क्वेश्चन चलता रहेगा, इससे कोई लेना नहीं है। बस इस फिगर का हेल्प हमें बस इतना होने वाला है कि हमें क्या करना है, एक और 4 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। ठीक है ना, इनके बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, फिर अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो बी की वैल्यू आप जल्दी से बता दोगे बेटा, बी इधर कितना है 6 है बेटा 6, और इधर से कितना है बच्चे 7। ठीक है ना, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, तब सही रहेगा। क्या करते हैं, यहाँ से ब्लैक पेन आपको दिखेगा, देखते हैं ए दिख रहा है बेटा, ए बेटा कितना आया हमारा 3.4। ओके, बी हमारा बेटा कितना आया 6.7। ठीक है ना, सी कितना आया बच्चों
हमारा बेटा यहाँ है, तो यहां तक चलेंगे 9 और यहां चलेंगे 4, तो 9, 4। बेटा डी हमारा कितना आया है, डी बेटा ये है 6 यहाँ पर, 1 यहाँ पे, 6, 1। अब उस फिगर का हमारे लिए कोई भी यूज नहीं रहा, हमें अब सिर्फ और सिर्फ इसी पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है बेटा, चमेली ने, चंपा ने कहा क्या था हमारे लिए, चंपा ने हमारे लिए ये टास्क दिया है ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चंपा ने हमसे क्या कहा है बेटा, चंपा ने हमसे कहा है कि हमें एक स्क्वायर प्रूफ करना है, स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जिसको याद होंगी वही तो इस क्वेश्चन में महारत हासिल कर पाएगा। अब आपको मेरी इस वीडियो से, पिछली वाली वीडियो में याद आ रहा होगा, मैंने आपसे बार बार कहा था कि बेटा जो आप हैं स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की, ट्रेपेजियम की, रोम्बस की, रेक्टेंगल की, इन सारी की प्रॉपर्टी याद करके आइएगा। अब जो आया है वो तो सही है, और जो नहीं आया है अब घबराओ मत, उसके लिए भी हम कुछ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमें स्क्वायर बेटा करना है। स्क्वायर की अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए, अगर ये एक बेटा स्क्वायर है, ठीक है ना, ये अगर एक स्क्वायर है ए बी सी डी, तो होता क्या है, स्क्वायर के अंदर सारी साइड बराबर होती हैं। बोले ये तो सर बहुत बचपन से पता है, आप क्या ही कह रहे हो, ठीक है ना, ये चारों साइड बराबर होती है स्क्वायर में। और इसकी खासियत ये होती है कि जो बच्चे इसके डायगनल्स होते हैं ना, जो डायगनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, खास बात तो यहाँ पर आई थी, ठीक है। अब जो बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि करने क्या वाले हैं हम लोग। हम करने वाले क्या हैं कि इन सारी साइड्स को निकालेंगे, फिर इनके डायगनल्स को निकालेंगे। अगर डायगनल्स बराबर आ गए और चारों साइड आपस में बराबर आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भैया ये स्क्वायर है, चंपा ठीक है, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन अच्छा खासा लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहले निकालते हैं ए बी, बच्चों ए बी निकालने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। ए बी, ए बी बेटा कैसे निकलेगा, एक ही फॉर्मूला सिखाया है, पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले से होगी, गारंटी है, ठीक है। क्या होने वाला है, ए बी बेटा किसी को भी आप मान लो एक्स टू वाई टू और मान लो एक्स वन वाई वन, अगर हम पहले वालों को एक्स टू वाई टू मान लें और इसको एक्स वन वाई वन मान लें, एक्स टू वाई टू और इसको मान लें एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो होगा क्या फॉर्मूले में, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 3 - 6 का होल स्क्वायर, किसी को भी मान सकते हैं बेटा आप। उसके साथ क्या करना है हमें, वाई टू माइनस वाई वन बेटा 4 - 7 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान वे में हम लोग करेंगे उसको, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत भी नहीं होगी बेटा हम लोग को। 3 - 6 कितना होता है बेटा, -3। -3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 9। प्लस 4 - 7 कितना होता है बेटा, -3। -3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया बच्चों ये, √18। अभी √18 कौन सॉल्व करके दिखाएगा, √18 भी कैसे सॉल्व करते हैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। आ जाओ जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। अगर 18 निकालना होगा हमें तो इसके हम पेयर बनाएंगे बच्चों, 2 9 18 और यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा। अब जिसका पेयर बनता है वो तो रूट के बाहर आ जाता है, लेकिन जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3√2। ओके, तो ए बी की जो साइड थी, ए बी की जो लेंथ थी, हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें तीन साइड्स और निकालनी है, बी सी, ए डी और डी सी। ओके चलिए, तो ए बी निकल चुका बेटा, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना होगा ए सी, है ना, ए सी तो जो डायगनल है उसको बाद में बात। अब इधर देखो बेटा, ये ए बी निकाल लिया हमने, ठीक है, ये ए बी निकाल लिया, ठीक है। अब मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, अब हमें बी सी निकालना होगा, ठीक है, बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, उसके बाद हम डायगनल्स पे चलेंगे। ए बी हमारा निकल गया, चलिए ओके, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इधर आओ भाई, इधर आओ, ठीक है। चलिए, तो अब हमने ए बी निकाल लिया बेटा, अब हमें क्या निकालना होगा, बी सी। ओके, बी सी की बात करते हैं, इसमें भी बेटा वही काम करना पड़ेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन वाला क्या होगा बेटा, इसको एक्स टू वाई टू मान लो, अब इसको एक्स वन वाई वन मान लो, 6 - 9 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। अभी भी बार बार कह रहा हूँ बेटा, किसी को भी एक्स टू वाई टू मान ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पुटिंग ध्यान से करना। 6 - 9 कितना होता है बेटा, -3। -3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9। प्लस 7 - 4 कितना होता है बेटा, 3 का स्क्वायर 9। अरे वाह, √18, इसका मतलब ये भी कितना हो गया बेटा, ये 3√2, है ना। इतनी अच्छी बात है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ चंपा खुश हो रही है, बोले अब हमारा आ रहा है स्क्वायर, ठीक है। धीरे धीरे उसके चेहरे पे मुस्कान आती जा रही है चंपा के,
बेटा बीसी निकाल चुके हैं हम, वो भी सेम आ चुका है। अब हम चेक करेंगे बेटा क्या, हम सीडी चेक करेंगे। सीडी चेक करने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा, सीडी इक्वल टू बेटा फिर से वही फॉर्मूला 100x2 - बेटा क्या करेंगे, इसको x2 / 2 मान लेंगे, इसको x1 / 1, क्या हो जाएगा बेटा 9 - 6 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9। ये भी बच्चों वही आ चुका है 18। अब तो चंपा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई बेटा, बोले हमारा बात अब सही हो रही, चमेली की बैंड बज गई, ठीक है देखते क्या होता है। चमेली अभी उदास हो गई है, बोले मैं हार गई लग रहा है। चलिए एक साइड और रह गई बच्चे एडी, अब एडी निकालते हैं यहाँ से। एडी अगर निकालेंगे तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, वही काम करना है फिर से। क्या हो जाएगा बच्चे एडी के लिए, 3, अभी ए और डी ध्यान से लगाना बेटा, गाँव से इतना दूर दूर है। ए और डी, 3 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दूर हो गया दिख रहा होगा, चलिए कोई नहीं फिर भी समझ में आएगा आपको। 3 - 6 बेटा कितना होता है 9, -3 - 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा ये भी √18 आ गया। अब ये हो गया हमारा क्या, 3√2। अब क्या बेटा चंपा पूरी तरीके से जीत चुकी है और चमेली पूरी तरीके से हार चुकी है, स्टोरी चल रही है क्राइम पेट्रोल है। ऐसा है कि चारों साइडें बराबर आ चुकी हैं, तो क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चंपा पूरी तरीके से पक्का पक्का जीत गई है? बिल्कुल नहीं जीती है अभी, क्योंकि अभी हमारे पास एक फिगर ऐसी भी होती है जिसमें चारों साइड बराबर होती हैं लेकिन वो स्क्वायर नहीं होता। आपको पता है बेटा कौन सी फिगर होती है वो, है कोई बेटा जो तीरंदाज बता सके कमेंट्स में? बिल्कुल बेटा रोम्बस, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा बेटा रोम्बस की 4 साइड्स भी बराबर होती है और स्क्वायर की 4 साइड्स भी बराबर होती है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, डायगनल्स, डायगनल्स रोम्बस के डायगनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, डायगनल्स भी निकालने पड़ेंगे। अगर डायगनल्स इक्वल आ गए फिर चंपा तो पूरी तरीके से जीत जाएगी, फिर उसे कोई नहीं गलत करने वाला बेटा। तो चलिए उसको देखते हैं क्या होगा बेटा। एसी, एसी बेटा कितना होगा, फिकर काफी पीछे चली गई क्या, एसी बेटा एसी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, हाँ ये बेटा ए और सी लिख लेते हैं, 3.4 - 9.4, 3.4 और 9.4। बिल्कुल एक बार आपको डायग्राम से दिखा देते हैं बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3.4 और सी के कितने हैं बेटा 9.4, ठीक है ना। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालने की कोशिश की जाएगी। अब क्या होगा बेटा, किसी को भी आप मान लीजिए x2 - x1 कितना हो जाएगा 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4, तो बेटा खत्म ही हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। कितना हो गया बेटा ये 3 - 9 बेटा कितना हो जाएगा, बोलो भाई 3 - 9 - 6, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 - 4 कितना हो गया बेटा ये 0, कितना आ गया बेटा ये 6 आ गया ना, ठीक है ना। देख लो आप एक बार पूरा डायग्राम तो सब समझ लो, इतना आगे तक हम आ चुके हैं, काफी क्वेश्चन आगे आ गया हमारा, ठीक है ना। चलिए अब क्या निकालने वाले बेटा, आप ये निकल गया बेटा, अब निकालना है हमें, देखो 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 एसी निकाल दिया बेटा हमने, अब हमें निकालना होगा बीडी। बीडी बेटा वो वाली बीडी नहीं जो समझ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई वाली बीडी, ठीक है ना बीडी। तो बेटा क्या होगा बीडी में, बीडी की कोऑर्डिनेट्स बेटा ये और ये बेटा 6, 7 और 6, 1, ठीक है ना, 6, 7 और 6, 1 बेटा। किसी को भी मान लीजिए आप, x2 / 2 इसको मानना, इसको मान लो, इसको मानना, इसको मान लो, पहले वाले को मान लेते हैं, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, ये 6 - 6 बच्चे क्या हो जाएगा 0, 6 - 6 कितना हो जाएगा 0 और 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है 36 और ये कितना आ गया बच्चे 6। अब चंपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा बेटा, उसने कहा था स्टार्टिंग में ही चंपा से कि भाई मेरी बात मान लो ये स्क्वायर है, लेकिन चमेली ने कहा नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करके दिखा चुके हैं कि भाई ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, और इसके बीच के जो डायगनल्स हैं ये भी बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या है एक स्क्वायर। तो बेटा बेसिकली आप इस क्वेश्चन को ऐसे मत समझो चंपा चंपा मत करो, आप क्वेश्चन के पॉइंट को समझो। अगर
डायरेक्ट आपको कोऑर्डिनेट्स ही दिए होते हैं, आपसे कहता जो हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं उसमें ऐसा होगा। ये थोड़ा सा केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन था कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर। अब बच्चा क्या करेगा, वो बच्चे को टेस्ट करना चाहता है एनसीईआरटी कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा घबरा तो नहीं जाएगा, आता वो क्वेश्चन गलत तो नहीं कर देगा। तो उसी के लिए हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, कि आप कभी भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन से लेंथ देख कर ना उसको जज करें कि क्वेश्चन हार्ड होने वाला है। ये क्वेश्चन तो बेटा यहीं से स्टार्ट था, कोऑर्डिनेट जो दिए हुए थे, ठीक है ना, ये तो सिर्फ एक रीडिंग व्यू था बस इंग्लिश लिटरेचर टाइप्स, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पूरा एक एक स्टेप आपको मैं दिखा रहा हूँ, ओके, सारे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन के ऊपर, जो कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल समझते हो बेटा, चार साइड की क्लोज फिगर। अब ये जो ट्रेपेजियम है, पैरेलोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, ये सारे क्या है, ये स्पेशल फिगर्स हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल्स के। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होने की वजह से इनके अलग अलग नाम पड़ गए हैं। अब एक ऐसी फिगर जिसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल, और जिसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी क्वाड्रिलेटरल लेकिन किसी स्पेशल नेम के थ्रू, इस स्क्वायर रेक्टेंगल है ना, तो ऐसे सॉल्व करना है। चलिए तो बेटा फर्स्ट वाला है, मान लीजिए मतलब बेटा ये ए है, अगर ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो बेटा किसी भी फिगर को बताने के लिए कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, एटलीस्ट आपको ए बी सी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, चार साइड तो निकालनी ही निकालनी है। ये तो बाद में सोचेंगे कि कोई फिगर है भी या नहीं, ये तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो बेटा निकाल के देखते हैं क्या होगा। बेटा अगर ए बी निकाले हम यहाँ से, इसको पॉइंट को मैंने लेट कर लिया है, ए बी बेटा कितना होगा, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर। कोई बता सकता है मैंने एक्स टू वाई टू किसको माना है बेटा, एक्स टू वाई टू बेटा मैंने इसको माना है, ठीक है ना, इसको, और एक्स वन वाई वन मैंने किसको माना है, इसको माना है, ठीक है ना, ओके। तो मैंने क्या किया, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो होगा क्या बच्चे, माइनस वन माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर बेटा फोर ही होता है, माइनस टू का स्क्वायर बेटा फोर ही होता है। बेटा कितना आ गया, ये रूट एट आ गया, ओके, ये रूट एट आपका आ गया, ओके। देखते रहो बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे आप। रूट एट को आप क्या लिख सकते हो, वही पेयर वाला मेथड है ना, एट टू फोर जा टू टू जा टू वन जा, तो बेटा टू का पेयर बन गया तो टू रूट के बाहर आ जाएगा और एक टू बेचारा रह गया, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। इस बात को अब आप एक्सपर्ट हो गए हो समझने में, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ए बी निकल गया बच्चे, बी सी निकाल लेंगे, दिख रहा है ना बेटा आपको, हाँ ठीक है, बी सी निकालना है बेटा। बी सी में भी आप एक्स टू वाई टू मान लो किसी को, अंडर रूट बेटा पहले वाले को मैं एक्स टू वाई टू मानता हूँ हमेशा, आप कुछ भी कर सकते हैं। वन, अब वो माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट में रख लेते हैं, का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो बेटा क्या है, वाई टू है, माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे, ये चल रहा है, माइनस टू हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, वन माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, तो वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर, बेटा ये भी कितना आ गया, रूट एट, और रूट एट कितना होता है ये बताया आपको, टू रूट टू। तो दो साइड्स बराबर आ रही है तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अभी कुछ भी पक्का नहीं कह सकते कौन सी फिगर होगी, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ओके। चलिए देखते हैं आगे, ये बी सी निकल गई बेटा हमारी, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकालते हैं। सी डी अगर आप निकालेंगे तो इसमें भी एक्स टू बाई टू मैं इसको मानूंगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वन माइनस माइनस थ्री, माइनस थ्री पहले से है तो मैं इसको हमेशा ब्रैकेट में रखता हूँ, और ऐसा आप भी करेंगे ही करेंगे, ठीक है, प्लस टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। क्या होगा यहाँ से बच्चे, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, तो माइनस वन प्लस थ्री टू आएगा, और टू का स्क्वायर बेटा कितना होता है, फोर, प्लस टू माइनस जीरो टू, टू का स्क्वायर बेटा फोर ही होता है। ये भी हमारा रूट एट आ चुका है, और इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, टू रूट टू, ओके। तीन साइड निकल गई बेटा, ए बी बी सी सी डी, अब क्या निकालेंगे, ए डी, ए डी निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ए डी निकालने वाले हैं, कोई बात नहीं, ए डी निकाल लेते हैं बेटा, ए डी निकाल लेते हैं, ए डी कितना होगा बच्चे, ये ए डी के कोऑर्डिनेट्स बेटा, इसको मैं फिर से मान लेता हूँ एक्स टू वाई टू, इसको वाई वन वाई वन, बेटा क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन
माइनस वन, माइनस माइनस थ्री, ठीक है ना, माइनस पहले से है, प्लस वाई टू बेटा कितना है हमारा यहाँ पे, टू, और वाई वन कितना है, जीरो, माइनस टू प्लस माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बस ये हो, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, ये माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, थ्री हो जाएगा, माइनस वन प्लस थ्री टू, टू का स्क्वायर फोर, प्लस माइनस टू का स्क्वायर भी फोर, कितना आ गया बेटा ये, रूट एट, रूट एट, इसको लिख सकते हैं क्या, टू रूट टू, मतलब कि बेटा कि चारों साइड इसमें आ रही है इक्वल, चारों साइड इसमें आ रही है इक्वल, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो सकता है, दो कंडीशन बन सकती है बेटा इसमें, बस बाकी सारी कैंसिल आउट हो गई, ये बन सकता है बेटा हमारा क्या, रॉम्बस या फिर स्क्वायर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसी प्रॉपर्टी आ रही है, और रॉम्बस है या फिर स्क्वायर है, ये कैसे प्रूफ होगा, ये प्रूफ होगा इसकी डायगनल्स निकाल के, ठीक है ना, जब इसकी डायगनल्स इक्वल आ गई तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसकी डायगनल्स इक्वल नहीं आई तो ये रॉम्बस हो जाएगा, तो इतना काम हमें अभी करना पड़ेगा, इसको हम अभी यहाँ पर नहीं छोड़ सकते कि सर चारों साइड बराबर है, और हमने पिया पढ़ा है कि स्क्वायर होता है चारों साइड में, तो बेटा रॉम्बस कहेगा बेटा मैं भी तो हूँ लाइन में, आप मुझे क्यों भूल रहे हो, ठीक है ना, चलिए आ जाइए ज़रा, तो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बेटा क्या करना है, अब हमें ए सी निकालना होगा और बी डी निकालना होगा, सर आपको कैसे पता, बेटा ऐसे अगर आप डायग्राम बनाओगे ए बी सी डी, तो डायगनल बेटा क्या होता है, डायगनल बेटा ये होगा और ये होगा, तो इसका डिस्टेंस कौन सा होगा बेटा, ए सी वाला, और इसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा, बी डी वाला, ठीक है, बी डी बार बार आ रहा है, ठीक है ना, ए सी पढ़ते हैं हम लोग, अब ए सी इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट, बेटा कितनी वैल्यू है इसकी, ए सी बेटा ये है कोऑर्डिनेट्स, फिर से वही करते हैं, माइनस वन माइनस माइनस वन, माइनस वन माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू बेटा कितना है यहाँ पर, वाई टू हमारा माइनस टू है, वहां पे कितना है, टू है, तो माइनस टू का होल स्क्वायर, ओके, तो बेटा कितना आ गया ये बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वन प्लस वन तो कट गया, तो जीरो आ गया यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस बेटा प्लस होता है फोर, ठीक है ना, फोर, फोर का स्क्वायर 16, इसका रूट लेंगे तो बेटा कितना जाएगा ये, एसी, एक डायगनल हमारा निकल चुका है, अब हम दूसरा डायगनल निकालने वाले हैं, आप लोग बेटा समझते रहिएगा, साथ में कोई दिक्कत हो तो बता देना, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप समझें कि बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं सर, और पूछ भी नहीं रहे बच्चों से क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं करता हूँ मैं, बिल्कुल बच्चों के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा एसी, और अगर हम बीडी को निकालना चाहें, बीडी बीडी बेटा ये है, ठीक है ना, ये वाले, तो यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझ लो अगर आप, तो ठीक है ना, ये लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, इस तरीके से बीडी, चलिए देखते हैं क्या होता है बीडी के साथ, वन माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, वन माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस, और बेटा ये क्या है हमारा, जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर, कुछ बचा ही नहीं बेटा, कितना आ गया बेटा बीडी हमारे यहाँ से, जीरो हो गया वो तो, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो बेटा फोर आ गया, फोर का स्क्वायर बेटा 16 होता है, उसका रूट कितना होता है, फोर होता है, तो बेटा अगर मैं आपको समराइज करके लिखना चाहूँ सब कुछ एक साथ, तो क्या होगा, ए बी किसके आ गया बेटा, बी सी के बराबर, बी सी किसके बराबर आ गया, सी डी के बराबर, और सी डी किसके बराबर आ गया, ए डी के बराबर, ये एक लाइन हो गई हमारी, ठीक है ना, और दूसरा हमने क्या कहा, ए सी किसके बराबर आ गया बेटा, बी डी के बराबर, और ये दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ बेटा एक ही चीज में अप्लाई होती हैं, और वो क्या होती है कोई बताने वाला बच्चा, देखो बेटा ये बड़ा बड़ा लिख दिया आपने, ठीक है ना, इतनी मेहनत के बाद इतना तो कर ही सकते हैं, अरे भाई कलर खराब है, कलर खराब, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ब्लैक ही पे रहते हैं, ब्लैक, ऑल ब्लैक, ब्लैक सबसे बढ़िया, क्या बेटा ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का जो पार्ट था वो क्या था, स्क्वायर था, इसी तरीके से आप क्या है अगले पार्ट्स कर सकते हैं, इसमें भी आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट से बताएंगे कि क्या आपको ये हो पाया नहीं, सेम प्रॉपर्टी बेटा, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, और इसको डी मानेंगे, ठीक है ना, इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको करना है, ठीक
तीनों चारों की साइड निकालनी है बेटा, ए बी बी सी सी डी और ई डी, ये चारों साइड निकालेंगे आप। अगर ये इक्वल आती है तो क्या हो जाएगा, या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा, और अगर इसकी डायगनल्स इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर होगा, और अगर डायगनल्स इक्वल नहीं आई तो क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान है बेटा। और इन केस अगर चारों साइड बराबर नहीं आती तो क्या होगा, सारी प्रॉपर्टीज आ जाता हूँ आपको। अगर चारों साइड बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल होगा, फिर क्वाड्रिलेटरल तो सारे ही है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है ना, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें चारों साइड बराबर नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई फिगर बन रही होगी इस तरीके से, कोई मतलब रैंडम कोई भी शेप बन रही होगी, तो वो जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर मान लीजिए चारों साइड्स, ठीक है देखो जरा आप आ जाओ, बिल्कुल काम की बात है, आपको सारी प्रॉपर्टी बता दूँ ताकि एक साथ कर पाओ। बेटा क्या होता है, ये हमारा अगर स्क्वायर है तो ये इसके बराबर होगा, और जो डायगनल्स हैं वो इसके बराबर होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्या बच्चे, स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल भी तो बेटा क्लोज फिगर ही है, अभी आई नहीं तो बात अलग है। ये क्या है बेटा, इसको नाम छोड़ो, नेमिंग छोड़ो, क्या होता है, ये बेटा किसके बराबर होगा, इसके, और ये वाली किसके बराबर होगी, इसके, और इसके भी डायगनल्स बराबर होंगे। तो सर आप कह रहे हैं कि दोनों डायगनल बराबर होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में, तुम जज कैसे करेंगे कि स्क्वायर है रेक्टेंगल है? तो बेटा स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर आएंगी, लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ दो साइड बराबर आएंगी आपस में रिस्पेक्टिवली, मतलब दो साइड आपस में बराबर, लेंथ लेंथ, और दो साइड आपस में बराबर, अलग अलग ब्रेथ ब्रेथ। ठीक है ना, चलिए तो ये चीज यहाँ पर हो गई, इसमें भी डायगनल्स इक्वल होते हैं। अब हम समझे आखिरी नहीं, थर्ड फिगर समझते हैं। ठीक है ना, डायग्राम पर ध्यान ना देंगे, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ये क्या है बेटा, कुछ समझ पा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये है हमारा रोम्बस। क्या कहते हैं इसे, रोम्बस। इसकी क्या खास बात है बेटा, इसकी भी चारों साइड स्क्वायर की तरह बराबर होती हैं, लेकिन इसके डायगनल्स बराबर नहीं होते हैं बच्चे, नहीं होते हैं। देखो ये लॉन्गेस्ट होगा और ये छोटा होगा, ठीक है, इसके डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो रोम्बस में और स्क्वायर में डिफ्रेंशिएट करना हो, आपका ऐसा चारों साइड बराबर आ गए, मैं रोम्बस लिख दूं क्या, मैं स्क्वायर लिख दूं क्या? मैं कहूँगा बेटा रुक जा जरा, जल्दबाजी मत कर, पहले डायगनल निकाल ले, अगर डायगनल बराबर आ गए तो स्क्वायर लिख दिए, और अगर नहीं आए तो क्या करोगे, रोम्बस लिख दोगे। ठीक है, ये हो गए बेटा, क्या ये हो, हम लिख देते हैं नाम रेक्टेंगल, ठीक है ना, और ये हमारा होगा क्या, रोम्बस। ठीक है ना, ये हो गया रोम्बस, इतनी बात समझ में आई। अब एक और फिगर होती है बेटा, अभी तो फिगरों का खत्म नहीं हुआ मामला, देखो जरा आगे, एक ये होती है फिगर आपने देखी हो अगर, तो इसको कोई पहचान पाया बेटा, बोले सर ये रोम्बस ही तो है लेकिन थोड़ा लंबा हो गया है। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो भी ये बात कह रहा है थोड़ा लंबा हो गया है, और उस लंबे होने का नाम तो बता दो बेटा, इसका नाम होता है बेटा पैरेललोग्राम। स्पेलिंग से क्या ही मतलब है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम बेटा। ठीक है, पैरेललोग्राम कहते हैं इसे। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है, और डायगनल्स बराबर नहीं होते, डायगनल्स बराबर नहीं होते। ठीक है ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ बेटा आपसे, स्क्वायर का टू कॉपी कौन है, रोम्बस, और रेक्टेंगल का टू कॉपी कौन है, पैरेललोग्राम। ठीक है ना, डायगनल्स इसमें भी इक्वल होते हैं, उसमें भी इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल नहीं होते, सॉरी इसमें इक्वल होते हैं और इसमें इक्वल होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये रियल कॉपीज हैं, और वो दोनों क्या डुप्लीकेट है, स्क्वायर का डुप्लीकेट कौन है, रोम्बस, तो उसकी साइड तो वैसी रहेंगी बराबर बराबर, लेकिन डायगनल्स अनइवन हो जाएंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल का टू कॉपी कौन है, ये, इसमें सामने साली वाली साइड्स बराबर होती हैं, इसमें भी हैं और इधर वाली बराबर होती हैं, लेकिन इसमें डायगनल्स इक्वल होते हैं, इसमें डायगनल इक्वल नहीं होंगे। तो ये वाला डायगनल होगा, जो ये वाला डायगनल होगा बच्चे, ये लंबा होगा, ये वाला छोटा होगा। ठीक है, ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, इतनी देर से बकवास कर क्यों रहा हूँ मैं बेटा, ये सारी प्रॉपर्टी दिमाग में सेट कर लो, इस एक्सरसाइज में छोड़ो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो सारा फॉर्मूला हमें याद है, बिल्कुल याद है।
सब कुछ उड़ा देंगे, लेकिन जब आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी इस फिगर की तो आप इस क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको सारी प्रॉपर्टी याद कर लेनी है, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की और इसकी, ठीक है ना। पैरेलोग्राम क्वेश्चन मेरे उम्मीद से है यहीं तक फंस जाएगा, ठीक है। अब बेटा शेप्स तो बहुत होती है, काइट भी होती है, पतंग, काइट, वो नहीं आएगा, ठीक है ना। इतनी चार प्रॉपर्टी आप पहले कर लो, अगर मेरा तो मुझे टाइम मिलता है, बचता है, तो मैं उन क्वेश्चन पे भी जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन चारों फिगर्स में ही क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी आपको वही करना है, सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी बुक का, बुक तो होगी आप लोगों के पास, तो बुक खोल के रखा करो अपने सामने कि जो मैं करा रहा हूँ वो मैच कर भी रहा है कि कुछ भी मास्टर बकरा आ गया आपके सामने। बोले मास्टर साहब तो कहते हैं एनसीईआरटी और कुछ पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं, तो आप चेक करते रहा करो कि मास्टर साहब से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन वहीं से ला रहे नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ये हो गया बेटा, ठीक है ना। सेवेंथ कह रहा है बेटा, हाँ सेवेंथ का बेटा अलग कॉन्सेप्ट है, वो कल करेंगे, ठीक है ना, वो अलग कॉन्सेप्ट पे बेस है। पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे हम हमेशा की तरह, फिर उससे क्वेश्चंस कराएंगे, यहाँ तक के सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। काफ़ी एक लेंदी क्वेश्चन मिला हमारे लिए, हमें स्टार्टिंग में वीडियो के, है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक लेंदी क्वेश्चन मिला कि लिखावट भी बहुत लंबी थी और क्वेश्चन का सल्यूशन भी लंबा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको समझाया, बेसिकली ये क्वेश्चन एक ऐसा था जो इन क्वेश्चन पर ही बेस्ड था, बस उसका लेंदी वे में कर दिया था और इसका छोटे वे में कर दिया था। इन क्वेश्चंस को आप करिएगा और प्रॉमिस करिए बेटा इन सारे क्वेश्चंस को अपने हैंड से बिल्कुल हाथ से सॉल्व करके समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कमेंट्स में बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो, है ना। आप बेटा समझ नहीं पा रहे मैथ्स कैसे की जाती है, आपकी यही गलती है, ठीक है ना। मैथ्स जो होती है वो प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस के आप सोचो मैथ्स में कमांड आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आप करिएगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि सर बोरियत हो रही है, बोरियत हो सकती है एक वे में कि कहीं जोक वोक नहीं सुनाता ना बेटा, मैं फिर जोक नहीं सुनाते आप तुम, मज़ा नहीं आता क्लास में, ऐसा नहीं है बेटा, मैं जोक सुनाने नहीं आता हूँ, कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन मैथ्स पढ़ाने आते हैं तो मैथ्स पर ध्यान दीजिए। जोक तो दुनिया में कॉमेडी नाइट्स आता है बेटा, रात को देख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ने आए हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। फोड़ देंगे एग्जाम को बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से एग्जाम करके आएंगे कि बिल्कुल मार्क्स जो है, ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा, अब तक आपका ग्राफ भले ही ऐसे रहता हो नीचे, लेकिन अब क्या करेगा, सीधे ऊपर जाएगा। मैथ्स में कमांड करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।